और आज तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने वाली आयशा गुलेलई इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको दिखाते हैं। और जब खवातीन जब वो पूरी दुनिया की बारियां लगवाते हैं तो और अपने आप को फरिश्ता समझते हैं और डाइस के ऊपर पूरी कौम को पूरे तमाम तर किसी को भी नहीं बख्शते, तो आप भी तो फरिश्ते नहीं हैं, आपके ऊपर भी तो मैं मेरे साथ मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मना कर रहे यार, फ्लोर दे रहा हूँ इधर यार, फ्लोर इधर है। आपने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमें महसूस हुआ कि सिवाय इसके बाद काशी के दुश्मन आपने दिया, आप हमें ये बताए कि आज आप इल्जाम लगा रही हैं, परसों आप स्टेज के ऊपर नारा लगा रही थी कि गली गली में शोर है, सारा टबर टोर है, उसका आपका मौकफ अब चेंज हो गया। वो टबर चोर है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो मैं आज भी कहती हूँ। और मेरी पीटीआई के साथ, मेरी इमरान खान और उसके जो टोला है उसके साथ मेरी नाराजगी की वजह मैंने आपको बता दी है। उस वजह के ऊपर पख्तून कौम अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ये ओहदे, ये पार्टियां, ये हुकूमत, किसी ने मुझे कहा उनकी हुकूमत आने वाली है, तो मेरे लिए तो कोई टाइमिंग, मेरे लिए तो टाइमिंग बड़ी खराब होनी चाहिए अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। लोग आ रहे हैं तो मैंने उसूलों के ऊपर वो फ्लोर उधर है। मैडम, आपने ये कहा कि पख्तून कल्चर की आपने बात की, आपके 16 से 17 एमएनए जो है वो पख्तून है, क्या आपने किसी पख्तून एमएनए से शिकायत की? अगर उनको ये बात मालूम है कि जो पार्टी में जो कल्चर है वो आपके साथ उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्या वो गैरतमंद नहीं है? सेकंडली, अभी आपने नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेजेस दिखाऊंगी, मैडम वो मैसेजेस कहाँ है, अभी तक आपने नहीं दिखाए? मैसेजेस सारे मौजूद हैं और पीटीए जो है उसका रिकॉर्ड भी निकलवा सकती है। और मैं मैसेजेस में ऐसे अल्फाज थे कि वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरी बात तो सुन ले, वो किसी की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम भी किसी की बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, और इनको पता होना चाहिए कि मैं PhD कंपैरेटिव रिलीजन की स्टूडेंट हूँ, मैं खुद इस्लामिक स्टडीज की मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं उस फील्ड की भी खिदमत करूंगी जिस तरीके से आप डॉक्टर एक यार, एक हेलो, एक यार असगर मुबारक को करने दे भाई, आप बात करें, एक मिनट प्लीज, क्या हो गया यार असगर मुबारक, एक एक क्वेश्चन कर। सबसे पहले बात हुई पहले बात तो ये है कि मैं डॉक्टर जाइक साहब जो स्टडी कर, जो पढ़ाते प्रीच करते हैं, मैं भी उसी सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ, तो इंशाल्लाह उस फील्ड में भी मैं कंट्रीब्यूट करूंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन जहां पे आपने लीगल फोरम की बात की तो मैं समझती हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसका इमरान खान का ब्लैकबेरी जरा निकालें, ब्लैकबेरी का निकालें, और जब जरूरत पड़ी आप प्लीज जब इनकी इनकी सारी डिटेल्स पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास से, पीटीए के पास से सारी डिटेल्स आप उनसे ले लें, मुझे नहीं किया, सबको किया, सारी खवातीन को किया। मैडम ये बताएं, मैडम इधर सुनो, मैडम आप इधर पहुंचो दे प्लीज, हेलो मैडम, काफी हो गई है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।